तीर्थ यात्रा। प्रस्तुत पाठ वरिष्ठ कथाकार श्री सुदर्शन की श्रेष्ठ रचना है। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया है कि जो सुख त्याग में है वह ग्रहण में नहीं है। निस्वार्थ भाव से की गई किसी की सहायता तीर्थ यात्रा के समान है। ईश्वर सभी से ऐसी ही तीर्थ यात्रा की इच्छा रखते हैं। ईश्वर अच्छे बुरे कर्मों का फल अवश्य देते हैं। लाजवंती के यहाँ कई पुत्र पैदा हुए मगर सब के सब बचपन में ही मर गए। आखिरी पुत्र हेमराज उसके जीवन का सहारा था। उसका मुंह देखकर वह पहले बच्चों की मौत का दुख भूल जाती थी। यद्यपि हेमराज का रंग रूप साधारण बालकों सा ही था मगर लाजवंती की आंखों में वैसा बालक सारे संसार में न था। माँ की ममता ने उसकी आंखों को धोखे में डाल दिया था। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए फिरती थी, मानो वह कोई दीपक हो जिसे बुझाने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हों। वह उसे छिपा छिपा कर रखती थी कहीं उसे किसी की नजर न लग जाए। गांव के लड़के प्रायः खेतों में खेलते फिरते थे मगर लाजवंती हेमराज को घर से बाहर न निकलने देती थी, और अगर कभी वह निकल भी जाता तो वह घबरा कर उसे ढूंढने लग जाती थी। गांव की स्त्रियां कहती, हमारे भी तो बच्चे हैं, तू जरा जरा सी बात में यूं पागल क्यों हो जाती है। लाजवंती यह सुनती तो उसकी आंखों में आंसू लहराने लगते। भर्राए हुए स्वर में उत्तर देती, क्या कहूँ, मेरा जी डर जाता है। मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नजर से न बच सका। प्रातः काल था, लाजवंती दूध दूह रही थी। इतने में हेमराज जागा और जागते ही मुंह फुलाकर बोला, माँ। आवाज में उदासी थी। लाजवंती के हाथ से बर्तन गिर गया। दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, क्यों हेम, क्या है बेटा, इतना घबराया हुआ क्यों है तू, इस तरह क्यों बोलता है तू। हेमराज की आंखों में आंसू डबडबा गए। रुक रुक कर बोला, सिर में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। बात साधारण थी मगर लाजवंती का नारी हृदय कांप गया। यही दिन थे, यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन मरा था। वह भी इसी तरह बीमार हुआ था। लाजवंती को अपने पैरों के नीचे से धरती खिसकती सी मालूम होने लगी। जिस तरह विद्यार्थी एक बार फेल होकर दूसरी बार परीक्षा में बैठते समय घबराता है, उसी प्रकार हेमराज के सिरदर्द से लाजवंती व्याकुल हो गई। गांव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे। लोग उन्हें लुकमान समझते थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथों से स्वस्थ होते थे। आसपास के गांवों में भी उनका बड़ा नाम था। लाजवंती उड़ती हुई उनके पास पहुंची। वैद्य जी बैठे एक पुराना साप्ताहिक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। लाजवंती को देखकर उन्होंने समाचार पत्र हाथ से रख दिया और आंखों से ऐनक उतार कर बोले, क्यों बेटी, क्या बात है। लाजवंती ने चिंतित स्वर में उत्तर दिया, हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से। आज ही से, कहता है सिर में दर्द है। बुखार तो नहीं है। मालूम तो नहीं होता, आप चलकर देख लेते तो अच्छा होता। वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हुआ। उन्होंने जल्दी से कपड़े पहने और लाजवंती के साथ हो लिए। जाकर देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, माथे पर हाथ रखा और फिर कहा, चिंता की कोई बात नहीं, दवा देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती के डूबे हुए हृदय को सहारा मिल गया।
उसने दुपट्टे के आंचल से अथन्नी निकाली और वैद्य जी को भेंट कर दी। वैद्य जी ने मुंह से नहीं नहीं कहा, मगर हाथों ने मुंह का साथ न दिया। उन्होंने पैसे ले लिए। कई दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयां बदली, परंतु किसी ने अपना असर न दिखाया। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती थी। लोग आते और धीरज दे देकर चले जाते थे, परंतु लाजवंती का मन उनकी बातों की ओर न दौड़ता था। वह डरी डरी रहती और अपने मन की पूरी शक्ति से हेम की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन उसने वैद्य जी से पूछा, हकीम जी, आखिर क्या बात है जो यह बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता? वैद्य जी ने उत्तर दिया, म्यादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, म्यादी बुखार क्या? अपनी म्याद पूरी करके उतरेगा। पर कब तक उतरेगा? 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। आज 11 दिन तो हो गए हैं। बस 10 दिन और है, किसी तरह ये दिन निकाल दो, भगवान भला करेगा। लाजवंती का माथा ठनका, हिचकिचाते हुए बोली, कोई अंदेशा तो नहीं? सच सच बता दीजिए। वैद्य जी थोड़ी देर चुप रहे। इस समय वे सोच रहे थे कि उसे सच सच बताएं या न बताएं। आखिर बोले, देखो बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी राय में तो हेम के पिता को बुलवा लो तुम। लाजवंती सहम गई। रेत के स्थलों को मीठे जल की नदी समझकर जब हिरण पास पहुंचकर देखता है कि नदी अभी तक उतनी ही दूर है, तो जो दशा उसके मन की होती है वही दशा इस समय लाजवंती की हुई। उसे आशा नहीं, निश्चय हो गया था कि हेम एक आध दिन में ठीक हो जाएगा। फिर उसी तरह खेलता फिरेगा, फिर उसी तरह नाचता फिरेगा। माँ देखेगी, खुश होगी, लोग बधाइयां देंगे। मगर वैद्य की बात सुनकर उसका दिल बैठ गया। आशा के साथ निराशा भी सामने आकर खड़ी हो गई। उसका पति रामलाल मुल्तान में नौकरी करता था। उसने उसे तार भेजा। वह तीसरे दिन पहुंच गया। इलाज दोगुनी सावधानी से होने लगा। यहां तक कि 10 दिन और भी बीत गए। अब 21वां दिन सिर पर था। हेम की देह अभी तक आग की तरह तप रही थी। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए। सोचने लगे, क्या बुखार एकाएक उतरेगा? वैद्य जी ने आकर नाड़ी देखी तो घबरा कर बोले, आज की रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। वैद्य के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थे। रामलाल दवाएं संभाल कर बेटे के सिरहाने की तरफ बैठ गए, परंतु लाजवंती के हृदय को चैन न था। उसने संध्या समय थाल में घी के दीपक जलाए और मंदिर की ओर चली। इस समय उसे आशा अपनी पूरी जीवन शक्ति के साथ सामने नाच करती हुई दिखाई दी। लाजवंती मंदिर पहुंची और देवी के सामने गिरकर देर तक रोती रही। जब थक कर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान शांत हो जाता है। उसे ऐसा लगा मानो कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही हो, तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को मोम कर लिया है। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर से मन्नत मानी, देवी माता, मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। यह मन्नत मानने के बाद लाजवंती को ऐसा जान पड़ा जैसे उसके दिल पर से किसी ने कोई बोझ हटा दिया हो, जैसे उसका संकट टल गया हो। वह निश्चिंत हो गई कि अब उसके हेम को कोई भय नहीं है। लौटी तो उसके पांव जमीन पर न पड़ते थे। उसके हृदय सागर में
आनंद की तरंगे उठ रही थी। वह दौड़ती हुई घर पहुंची तो पति ने कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया, बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी और आंखों में आशा की झलक। झूमती हुई बोली, अब हेम को कोई डर नहीं है, मैं तीर्थ यात्रा की मन्नत मान आई हूँ। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान किया तो हृदय बैठ गया, परंतु पुत्र स्नेह ने इस चिंता को देर तक न ठहरने दिया। उत्तर दिया, अच्छा किया, रुपए का क्या है, हाथ का मैल है, आता है चला जाता है, परमेश्वर ने एक लाल दिया है, वह जीता रहे यही हमारी दौलत है। लाजवंती ने स्वामी को सुला दिया और स्वयं रात भर जागती रही। प्रभात हुआ तो हेम का बुखार बिल्कुल उतर गया था। लाजवंती के मुखमंडल से प्रसन्नता टपक रही थी, जैसे संध्या के समय गौओं के स्तनों से दूध की बूंदें टपकने लगती हैं। वैद्य जी ने आकर देखा तो उनका मुंह भी चमक उठा, अभिमान से सिर उठाकर बोले, अब कोई चिंता नहीं, तुम्हारा बच्चा बच गया है। लाजवंती ने हेम की कमजोर देह पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या से क्या हो गया। वैद्य जी ने लाजवंती की ओर देखा और रामलाल से बोले, यह सब इसी के परिश्रम का फल है। लाजवंती ने उत्तर दिया, देवी माता की कृपा है। मैं तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ, उसने मरे हुए पति को जलाया था, तुमने पुत्र को मृत्यु के मुंह से निकाला है। तुम यदि दिन रात एक न कर देती तो हेम का बचना असंभव था, यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है, बच्चा बचा नहीं दूसरी बार पैदा हुआ है। रामलाल के होठों पर मुस्कुराहट थी और आंखों में चमक। इसके सातवें दिन वे अपनी नौकरी पर चले गए और कहते गए कि तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। 3 महीने बीत गए, लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। अब उसके मुख पर फिर वही आभा थी, आंखों में फिर वही चमक, दिल में फिर वही खुशी। हेम आंगन में इस तरह चहकता फिरता था जैसे फूलों पर बुलबुल चहकती है। लाजवंती उसे देखती थी तो फूले न समाती थी। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले की रात उसके आंगन में सारा गांव इकट्ठा हो रहा था, झांझे और करतालें बज रही थीं, ढोलक की थाप गूंज रही थी, स्त्रियां गाती थी, बजाती थी, शोर मचाती थी, और दूसरी तरफ कहीं पूरियां बन रही थी, कहीं हलवा। उनकी सुगंध से दिमाग तर हुए जाते थे। लाजवंती उधर से इधर दौड़ती फिरती थी, मानो उसके यहाँ ब्याह हो। लोग खा पी कर आराम करने लगे, जो बचा हुआ था वह गरीबों में बांट दिया गया। लाजवंती ने लोगों को विदा किया और चलने की तैयारी में लगी। उसने 3 के 1 बक्स में जरूरी कपड़े रखे, एक बिस्तर तैयार किया, गले में लाल रंग की सूती माला पहनी, माथे पर चंदन का लेप किया, गऊ एक पड़ोसिन को सौंपी और उसे बार बार कहा, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ मगर मेरा मन अपनी गऊ में रहेगा। सहसा किसी की सिसकी भरने की आवाज सुनाई दी, लाजवंती के कान खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा मगर कोई दिखाई न दिया। इस समय सारा गांव सुख स्वप्न में बेसुध पड़ा था। इस समय यह सिसकी भरने वाला कौन है, यह सोचकर लाजवंती हैरान रह गई। वह आंगन में निकल आई और ध्यान से सुनने लगी। सिसकी की आवाज फिर सुनाई दी, लाजवंती छत पर चढ़ गई और पड़ोसिन के आंगन में झुककर जोर से बोली, माँ हरो। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर एक चारपाई पर से उत्तर मिला, कौन है, लाजवंती। आवाज में आंसू मिले हुए थे। लाजवंती जल्दी से नीचे उतर गई और हरो के पास पहुंचकर बोली, माँ क्या बात है, तू रो क्यों रही है। हरो सचमुच रो रही थी।
परंतु अपना रोना लाजवंती के सामने कहते हुए उसके नारी दर्द को भट्टा लगता था, इसलिए अपनी वास्तविक अवस्था को छिपाती हुई बोली, कोई बात नहीं है, तू रो क्यों रही है? लाजवंती ने दोबारा पूछा। हरों के रुके हुए आंसुओं का बांध टूट गया। लाजवंती ने फिर पूछा, अरे क्या बात है जो तू इस समय रो रही है? मैं तेरी पड़ोसिन हूँ, मुझसे मत छिपा। हरों ने कुछ उत्तर न दिया। वह सोच रही थी कि इसे बताऊं या न बताऊं। प्रभात हो चला था, कुछ कुछ प्रकाश निकल आया था। लाजवंती चलने के लिए आतुर हो रही थी, मगर हरों को क्या दुख है, यह जाने बिना चले जाना उसके लिए कठिन था। उसने तीसरी बार फिर पूछा, माँ बता दो ना, तुम्हें क्या दुख है? हरों ने दुखी होकर पूछा, क्या तुम उसे दूर कर दोगी? हो सका तो जरूर कर दूंगी। यह असंभव है, संसार में असंभव कोई बात नहीं, भगवान सब कुछ कर सकता है। हरो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, कुंवारी बेटी का दुख खा रहा है, रात रात भर रोती रहती हूँ, न जाने क्या नाव कैसे पार लगेगी। क्या क्यों? उसके ब्याह का खर्च तो तुम्हारे जेठ ने देना मंजूर कर लिया है, ऐसे भाग्य होते तो रोना काहे का था? लाजवंती ने अकुला कर पूछा, तो क्या यह झूठ है? बिल्कुल झूठ भी नहीं, उसने 200 रुपए की गहने कपड़े बनवा दिए हैं, मगर मिठाई आदि का प्रबंध नहीं किया। अब चिंता ये है कि बारात आएगी तो उसके सामने क्या धरूंगी? बाराती मिठाई मांगेंगे, पूरियां मांगेंगे, हलवा मांगेंगे, यहाँ सूखे सत्तू खिलाने की भी हिम्मत नहीं। यही सोच सोच कर सूखती जाती हूँ, लाजवंती ने कुछ सोच कर उत्तर दिया। क्या गांव के लोग एक गरीब कन्या का ब्याह नहीं कर सकते? और यह उनकी दया न होगी, उनका धर्म होगा। हरों की आंखें भर आई। वह इस समय गरीब थी, परंतु कभी उसने अच्छे दिन भी देखे थे। लाजवंती के प्रस्ताव से दुख हुआ, जैसे नया नया भिखारी गालियां सुनकर जमीन में गड़ जाता है। उसने धीरे से कहा, बेटी मुझसे भी तो यह अपमान न देखा जाएगा, परंतु इस तरह तो गांव भर की नाक कट जाएगी। हरों ने बात काट कर कहा, मैं भी तो इसे सहन नहीं कर सकूंगी, किसी के सामने हाथ फैलाना भी तो बुरा है। तो क्या करोगी? कन्या कुवारी बैठाए रखोगी? भगवान की यही इच्छा है तो मेरा क्या बस, उसे लेकर कहीं निकल जाऊंगी, न कोई देखेगा न कोई बात करेगा। लाजवंती हरों की अवस्था देखकर कांप गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा है कि अगर ये हो गया, ईश्वर का कोप गांव को जलाकर राख कर देगा। लाजवंती अपने आप को भूल गई। उसका हृदय दुख से पानी पानी हो गया। उसने जोश में कहा, चिंता ना करो, तुम्हारा संकट मैं दूर करूंगी, तेरी बेटी का ब्याह होगा और बारात के लोगों को भोजन मिलेगा। तेरी बेटी तेरी ही बेटी नहीं, मेरी भी है। हरों ने वह सुना जिसकी उसे इच्छा थी, परंतु आशा ना थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलकने लगे। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी। वह सोचती थी हरिद्वार मथुरा वृंदावन के मंदिरों को देखकर हृदय कली की तरह खिल जाएगा, मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ वह उस कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ चढ़ कर था। वह दौड़ती हुई अपने घर गई और संदूक से 200 रुपए लाकर हरों के सामने ढेर कर दिए। यह रुपए जमा करते समय वह प्रसन्न हुई थी, पर उन्हें देते समय उससे भी अधिक प्रसन्न हुई। जो सुख त्याग में है वह ग्रहण में कहां। लेखक सुदर्शन।